दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं आज परोड़ा की सब्जी बनाने जा रही और अब इनको मैं अच्छे से धुल लूँगी। ये देखिए, मैंने इनको धो लिए हैं और मैं अब इनको कट कर लूँगी। ये देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं। इनकी सब्जी सूखी सूखी बनाने में बहुत टेस्टी लगती है और आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं इनको काटने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने परोड़ा को कट कर लिया है और इन छोटे छोटे टुकड़ों में, और यहाँ मैंने मिर्ची काट ली है, टमाटर भी काट लिया है और ये प्याज लहसुन। अब मैं इसको बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं अब ऑयल डालूंगी। मीडियम ही तेल लिया है क्योंकि तेल खाना कम पसंद करते हैं हम लोग। तो अब चलिए बनाते हैं। तेल को गर्म, इसमें सबसे पहले जीरा डालूंगी। और लहसुन मिर्ची डाल दी। प्याज के साथ कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। प्याज को थोड़ी देर भूनने देंगे और मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है ताकि अच्छा जा। मेरी प्याज क्रैश हो चुकी है और टमाटर डाल दूंगी मैं। देखिए, हमारे टमाटर पक चुका है और अब मैं इसमें परोड़ा डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने परोड़ा को डाल दिया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये हल्दी पाउडर, और ये हल्का सा धनिया पाउडर, और नमक भी डाल दिया है और मैं अब इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए, मैंने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि सब्जी मेरी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।